तो मानस एआई के माध्यम से कैसे आप एक मोबाइल गेम ऐप क्रिएट कर सकते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यहाँ पर छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर लाइक भी कर दें। दोस्तों, मोबाइल गेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का गेम बनाना चाहते हैं। देन उसी के अनुसार ही आपको अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लेना है। जैसे कि इस वीडियो में हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं पजल गेम का, तो उसी के अनुसार ही हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट क्रिएट करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट कर लिया है जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, यहीं से आपको गेम का प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उसको आपको फटाफट ज्वाइन कर लेना है ताकि आप यहाँ से प्रॉम्प्ट को प्राप्त कर सकें। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट को पोस्ट कर दिया है जिसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। उसके बाद आपको एआई टूल के ऊपर जाना है जिसके माध्यम से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने गेम के कोड्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैं यहाँ पर तीन टूल्स का एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, तीनों के माध्यम से मैं यहाँ पर कोड्स क्रिएट करने वाला हूँ। फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कौन सा टूल यहाँ पर बेटर कोड्स प्रोड्यूस करता है। तो मैं कौन कौन से टूल्स का यूज़ करने वाला हूँ, तो पहले मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ डीप सिक का, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा गूगल ए आई स्टूडियो का, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कोड्स इसने बनाए हैं। तीसरा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मानस ए आई का, इसके रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे कोड्स आपको बना कर देता है। तो तीनों के ऊपर मैं यहाँ पर अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट करने वाला हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर पेस्ट करने वाला हूँ डीप सिक के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्रॉम्प्ट को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है, देन सेंड इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब मैं अपनी प्रॉम्प्ट को गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर कॉपी एंड पेस्ट करूंगा, देन रन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तीसरा हम जाएंगे मानस एआई के ऊपर, यहाँ पर भी कोड को कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, देन सेंड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे कोड्स क्या हो जाएंगे, रन होने स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स यहाँ पर मेरे जो भी एआई टूल्स हैं वो यहाँ पर ढंग से मेरी प्रॉम्प्ट को एनालाइज करेंगे और उसी के अनुसार यहाँ पर कोड्स बनने स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ सेकंड्स का हम यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं तीनों ही टूल ने यहाँ पर किस टाइप के कोड्स क्रिएट किए। तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। तो पहले मेरे सामने डीप सिक का रिजल्ट आ चुका है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि डीप सिक ने यहाँ पर कैसे कोड्स बनाए हैं, कैसा मेरा यहाँ पर गेम बनकर रेडी हुआ। तो मेरा यहाँ पर कुछ स्टेप से कोड्स बना है, यहाँ पर आपको रन का ऑप्शन दिखाई देगा तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ पर कुछ स्टेप का गेम इसने यहाँ पर बना कर दिया है जिसके अंदर मुझे प्ले गेम का ऑप्शन मिलता है, हाउ टू प्ले उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है। आप यहाँ पर अपने गेम की सेटिंग्स को भी कर सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ से गेम से एग्जिट भी कर सकते हैं। जैसे मैं प्ले गेम के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस टाइप का गेम मेरे सामने आ चुका है। जैसे यहाँ पर क्या है, कार और की, तो ये क्या आ जाएगा, कार की, तो ये करेक्ट है। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा पार्टी, नहीं यहाँ पर नाइट क्लब होगा आई थिंक, डांसिंग। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर गेम बन चुका है। तो डीप सिक ने तो अच्छा ही गेम यहाँ पर बनाया है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर चेक करने वाला हूँ किसको, गूगल एआई स्टूडियो को, कैसा कोड यहाँ पर इसे बनाया है और कैसा गेम मेरा यहाँ पर बना है उसको मैं चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा इस टाइप से कोड्स बन चुका है, यहाँ से इसको मैं कॉपी करूंगा, इसके माध्यम से मैं यहाँ पर इसको टेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं एडिट एचटीएमएल इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा, सेव इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, बैक जाएंगे, व्यू ब्लॉक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो भाई इसने यहाँ पर इस टाइप का गेम मुझे बना कर दिया है, ये भी सेम वैसा ही है पर ये कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, ये मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, मतलब काफ़ी बेकार सा इसका इंटरफेस मुझे लग रहा है ना, तो ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो गूगल ए स्टूडियो ने खास गेम मुझे बनाकर नहीं दिए है। अब मैं यहाँ पर मानस का रिजल्ट भी चेक करने वाला हूँ कि मानस ने किस टाइप के कोड क्रिएट किए हैं और कैसा गेम मुझे बना कर दी। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर ही मानस ने मुझे कुछ इस टाइप का गेम बना कर दिए हैं। तो भाई मैं यहाँ पर जाऊँगा प्रिव्यू के ऊपर, तो इस टाइप का गेम इसने मुझे बना कर दी है। ठीक है, यहाँ पर भी हाउ टू प्ले इसका पूरा दे रखा है इसने, यहाँ पर पूरा जानकारी सेटिंग्स वगैरह की जानकारी इसने दे रखी है। एंड प्ले गेम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का गेम मेरे सामने बन के आ चुका है, डांसिंग टू म्यूजिक। ठीक है, नेक्स्ट रनिंग फास्ट, ठीक है, इस पर टाइप इसने यहाँ पर भाई बनाया है, काफ़ी अच्छा बनाया इसने, काफ़ी अच्छा इसने यहाँ पर मुझे कोड्स बना कर दिए। ओके,
तो भाई अब तीनों मेरे पास कोड्स आ चुके हैं, आप जिसको भी यूज़ करना है आप उसके कोड्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐप क्रिएट करने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर मानस का यूज़ करने वाला हूँ, तो इसके कोड्स को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा कोड, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा कोड मेरे सामने आ जाएंगे, अगेन इसके ऊपर क्लिक करूंगा कॉपी, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और कोड मेरे यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इन कोड को होस्ट करूंगा, उसके बाद मैं इनको मोनेटाइज करूंगा, फिर इसको मैं ऐप के अंदर चेंज कर दूंगा। तो कोड को होस्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं गिट हब का। तो सिंपली आपको गिट हब के ऊपर जाना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको प्लस इसके ऊपर क्लिक करना है, न्यू रेपोस्ट्री इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर अपनी रेपोस्ट्री का नेम डाल देना है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा पजल, ठीक है। तो पजल यहाँ पर अवेलेबल है तो पजल से डाल देते हैं, तो ये अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर मैं पब्लिक को चूज़ करूंगा, देन क्रिएट रेपोस्ट्री इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अब आपको यहाँ पर क्रिएट ए न्यू फाइल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको अपने कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। ओके, एंड जब बॉडी का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, इसी के नीचे आपको अपने जो भी आप एड यूनिट इसके अंदर लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लो आप अपनी ऐप को एड स्टारर से मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो उसकी एड यूनिट को यहाँ पर लगा देना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं एड स्टारर का यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो आपको एड स्टारर के ऊपर आना है। तो पहले तो आपको यहाँ पर इस पेज को पहले पब्लिश कर लेना है, जो भी इसका लिंक यहाँ पर जनरेट होगा उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड वेबसाइट इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर उस लिंक को ऐड कर देना है। जैसे आप यहाँ पर लिंक को ऐड करेंगे तो वेबसाइट आपकी यहां पर इस तरीके से ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको ऐड नोट के ऊपर क्लिक कर देना है, इस तरीके से गेट कोड इसके ऊपर क्लिक करना है, कोड को कॉपी कर लेना है, फिर उसके बाद अगेन आपको यहां पर आना है और बॉडी के नीचे इस कोड को इस तरीके से पेस्ट कर देना। इससे क्या होगा, इससे जो आपने यहां पर अपनी ऐप क्रिएट की है ना, जो भी आपने यहाँ पर कोड होस्ट किए हैं, वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मोनेटाइज जाएंगे, उसके अंदर ऐड नोट ऐड हो जाएगी। जब भी आप इसको पब्लिश करेंगे तो उसके अंदर आपको ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है कहां पर आपको कोड को पेस्ट करना, सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है एडमोब के अंदर। इसके अंदर भी आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, यहां पर अपनी ऐप को सबमिट कर देना है, सेम इसी तरीके से कोड जनरेट करना है, जिसको आपको इसी तरीके से यहां पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहां पर अपनी ऐप के अंदर कोड को पेस्ट कर दें, अच्छे से इसको यहां पर ऑप्टिमाइज कर लें, उसके बाद आपको यहां पर आना है, यहां पर अपनी फाइल का नेम डालना है और फाइल का नेम देना है index.html, इस तरीके से इसको नेम देना है, देन कमिट चेंजेस इसके ऊपर क्लिक करना है, कमिट चेंजेस इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो कोड आपके यहाँ पर सेव हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, होस्ट हो जाएंगे। अब इसको मुझे पब्लिश करना है, तो पब्लिश करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, सेटिंग्स इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको पेजेस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपको चूज करना है मेन को, देन सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गिटहब के अंदर आपके कोड पब्लिश होने स्टार्ट हो जाएंगे, मिस डिप्लॉय होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देगा, जो मैंने बताया था लिंक आपको मिलेगा, उसी लिंक को आपको एड स्टारर के अंदर ऐड करना है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। उसी के बाद ही आपको अपनी एड यूनिट को जनरेट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ सेकंड का वेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट होगी, जो भी मैं यहाँ पर ऐप बनाना चाहता हूँ, उसका यहाँ पर मुझे डिप्लॉयमेंट का लिंक मिल जाएगा। तो कुछ सेकंड का हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अभी तक यहाँ पर लिंक नहीं आया है, अगेन मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँगा, तो यहाँ पर मेरा लिंक आ चुका है ना। इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या हो चुका है, इस प्रकार से मेरा गेम बन चुका है। देखो यहाँ पर मुझे ऐड भी दिखाई दे रही है ना, जो मैंने ऐड यूनिट इसके अंदर ऐड इसके थ्रू मैंने ऐड यूनिट ऐड की थी, वो ऐड यूनिट यहाँ पर दिखनी भी स्टार्ट हो चुकी है ना। तो इस तरीके से करना है, तो पहले इस लिंक को कॉपी करना, इसको यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इसके अंदर आपको इस लिंक को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है इस तरीके से, ठीक है ना भाई, इसके अंदर पेस्ट करना है, फिर ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से अपनी ऐड नोट जनरेट करना है, और जैसे मैंने आपको अभी बताया था उसी तरीके से आपको सेव कर देना है। और जैसे आपको यहाँ पर ऐड दिखाई दे रही थी ना, सेम उसी तरीके से आपको ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने ऐप को मोनेटाइज कर सकते हैं। अब आपको इस वेबसाइट को ऐप में कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको इस लिंक को कॉपी कर लेना, अच्छे से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है, और उसके बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है जिसका नाम है वैप इंटू ऐप। ये वेबसाइट क्या करती है, वेबसाइट को ऐप में चेंज कर देती है। तो इसके ऊपर आपको आना है, देखो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी अपनी जो वेबसाइट है उनको होस्ट कर रखा है, उनको ऐप में चेंज कर रखा है। देखो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको मैंने होस्ट किया और यहाँ पर ये क्या क्या हो चुका है, डेडिकेटेड ऐप में चेंज हो चुका है, जिसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो आपको मेकर इसके ऊपर क्लिक कर देना है,
अब आपके सामने न्यू पेज आएगा, यहाँ पर आपको उस ऐप के यूआरएल को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, ऐप का नेम दे देना है जो भी देना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, कैनवा के माध्यम से आपको अपनी ऐप का आइकन क्रिएट करना है जिसको यहाँ पर सेट कर देना है, फिर मेक ऐप इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी ऐप यहाँ पर रेडी हो जाएगी और इस तरीके से आपकी ऐप यहाँ पर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर इसको आपको ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से उसकी एपीके को डाउनलोड कर लेना है जिसको आप कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको उसको प्रमोट करना है, चाहे प्ले स्टोर हो गया, किसी भी स्टोर के ऊपर आप उसको सबमिट करना चाहते हैं वहाँ पर आप अपनी ऐप को सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी ऐप को लगा सकते हैं, वहाँ से भी इसके इंस्टॉल्स निकलवा सकते हैं, जैसे भी आपको तरीका अच्छा लगता है उस तरीके से आपको अपनी ऐप को प्रमोट कर लेना है, नहीं तो आपको मेरे चैनल के ऊपर जाना है, फ्री ट्रैफिक की आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उनको देख लेना है, बहुत सारी फ्री ट्रैफिक की नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी, उन फ्री ट्रैफिक सोर्स के ऊपर आपको अपनी ऐप को प्रमोट करना है वेबसाइट के माध्यम से, ठीक है ना, वहाँ पर आपको प्रमोट कर देना है, वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपकी ऐप पर इंस्टॉल्स आएगा और आप यहाँ पर एड्स या एडमोब के माध्यम से कमाई शुरू कर पाएंगे, जैसी भी आपकी मर्जी हो उस तरीके से आपको अपनी ऐप को मोनेटाइज कर लें। ये तो बात हो गई यहाँ पर डेस्कटॉप की, आप किस तरीके से डेस्कटॉप के माध्यम से अपनी ऐप क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल का भी छोटा सा ट्यूटोरियल मैं आपको बता देता हूँ, तो मोबाइल के अंदर इसी ऐप को बनाने के लिए आपको दो चीज़ की आवश्यकता होगी, पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर गूगल एआई स्टूडियो या फिर आप यहाँ पर चैट जीपीटी, डीप सीक या मानस एआई की किसी भी ऐप का यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसको आपको ओपन कर लेना है, सेम इसी प्रॉम्प्ट को आपको अपनी चैट जीपीटी या जिस का भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें पेस्ट करना है, कोड्स आपको बन जाएंगे, उन कोड्स को कॉपी करना है, उसके बाद आपको इस ऐप को ऊपर आना है जिसका नाम है hopeweb.com, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको ये वाली ऐप मिल जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा index.html का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपने जो कोड अभी क्रिएट किए थे ना उसको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, देन रन इसके ऊपर क्लिक करना है, आपकी ऐप यहाँ पर बन जाएगी। फाइनली आपको अपनी ऐप को पब्लिश कर देना है, तो अगेन बैक आना है, यहाँ पर आपको पब्लिश का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ऐप यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी, इसकी एपीके भी आपकी बन जाएगी जिसको आप यहाँ पर इंस्टॉल या डाउनलोड कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप यहाँ पर मोबाइल के माध्यम से भी सेम ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कैसे आपको पजल गेम क्रिएट करना है डेस्कटॉप या मोबाइल के माध्यम से वो भी आपको समझ में होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक्स लेके आएँ ताकि इसी टाइप का ओसम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएँ।